हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में एक शेयर है जो कि आपको बोनस से रिलेटेड बोनस दे सकता है। मंडे को वो उसके रिजल्ट आने हैं एंड रिजल्ट तो आने ही हैं, एज वेल एज अगर बात करें वो आपको बता देगी कंपनी बता देगी उसी दौरान कि आपको बोनस मिलेगा या नहीं। तो शायद बोनस मिलने के चांसेस है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी जब कुछ चीज़ अनाउंस करती है और बोलती है कि बोनस देंगे तो फिर बोनस देते ही है वो, तो उसी से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और नीचे कल की डेट में यहाँ पर देख सकते हैं KPIT एंड SIS से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, जिन्होंने स्टार्टिंग में ही अच्छा खासा मूव दिखाया था, एज वेल एज जोमेटो ने यहाँ पर IPO के लिए DRHP यहाँ पर दी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक और स्टॉक था, ओके, मल्टीपल स्टॉक से रिलेटेड बातें थी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, बट बिफोर दैट एक और बात, अगर आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है यहाँ क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर एक और लिंक है, यहाँ पर क्लिक करें, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर जाके आप इनकी वेबसाइट पे आपको ले जाएगा और आप अपनी इच्छा अनुसार जो दान देना चाहते हैं आप दान दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं वनडे का चार्ट पैटर्न। जैसे ये कल की डेट में एक्चुअली न्यूज़ आ गई थी, बट मार्केट बंद होने के बाद आई थी, तो आप जैसे ही मार्केट ओपन हुई तो गैप अप मार्केट ओपन हुई थी और ये भी शेयर गैप अप में ही ओपन होता हुआ दिखाई दिया था। बट टाइम टू टाइम जैसे जैसे मार्केट में डिप आता गया तो ये अब यहाँ पर फ्लैट कह सकते हो कि फ्लैट या फिर थोड़ा सा नीचे 0.62% का यहाँ पर नीचे बंद होता हुआ नजर आया है। अब बात कर रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 डेज का चार्ट पैटर्न काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखते हो, ओके, थोड़ी बहुत गिरावट आपको दिखाई देगी। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ट पैटर्न है। 1 ईयर का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है। 5 मंथ्स अगर मैक्सिमम बात करते हैं तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी यहाँ पर आपको अच्छा खासा यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न देते हुए दिखाई दिया है। अगर बात करें यहाँ पर और भी कुछ चीज़ों की तो देख सकते हैं डिलीवरीज, आज की डेट में 47% के लगभग यहाँ डिलीवरी, लगभग 284,892 ओके शेयर्स यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे खरीदे गए हैं। 52 वीक लो यहाँ पर देख सकते हैं 571, 52 वीक हाई यहाँ देख सकते हैं 11/30, 23 फेब को। और यहाँ पर अगर और भी कुछ डेटा देखते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए बोनस, ओके, आप यहाँ देख सकते हैं 28 अप्रैल मतलब कल के दिन में यहाँ पर बोनस के लिए यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर आपको अगर बात की है मंडे को यहाँ पर आपको बोनस मिल सकता है, बोनस से रिलेटेड न्यूज़ मिल सकती है, ओके, बोनस से रिलेटेड क्या कुछ है वो मंडे को पता चलेगी। और जब इसके रिजल्ट भी आने हैं और रिजल्ट से रिलेटेड हम जब बात करेंगे, यहाँ देख सकते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट 3rd ऑफ में जब ये आए, ये सारी बातें यहाँ पर खुल के आएंगी, रिजल्ट से रिलेटेड बातें खुल के आएंगी, तो मैं आपको वीडियो बनाता हुआ दिखाई दूंगा और आपको इससे रिलेटेड न्यूज़ भी दे दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड 2019 में भी दिया है, 2020 में भी दिया है। और अगर बात करते हैं शेयर प्लेजिंग, तो कोई भी शेयर प्लेज नहीं है और लगभग 66.4% के शेयर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं किसके पास, प्रमोटर्स के पास। इसके अलावा और भी कुछ अगर बात कर लेते हैं, कंपनी ने पहले भी अगर दिया था कि डिविडेंड तो देती है, बोनस एक बार दिया है कंपनी ने, 1:2 का बोनस 2019 में यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर दिया था बोनस। और अगर हम बात करें स्प्लिट की तो यहाँ पर देखिए नो स्प्लिट, ओके, एंड नो राइट्स, यहाँ पर केवल बोनस एक बार कंपनी ने दिया है। तो कंपनी ने परफॉर्मेंस तो देखो करके दिखाया है, और किस कंपनी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस। करती क्या है तो आपको पता ही है, आपने एक्वाफिना का पानी पीते हैं आप, ओके, पेप्सी पीते हुए नज़र आते हैं, ओके, एज वेल एज बात किया है यहाँ पर बहुत सारे आप इनके ट्रॉपिकाना, मिरिंडा, 7 अप, ओके, माउंटेन ड्यू, ये सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ पर इन्हीं के ही है। तो पेप्सी से रिलेटेड मतलब कोक दुनिया की नंबर 1 है, उसके बाद यहाँ पर जो कंपनी उभर के आती है वो पेप्सी नज़र आती है, तो इसकी तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। और गर्मी आ रही है, दूसरी बात इस बात को भी ध्यान दीजिए, तो गर्मी में कोल्ड ड्रिंक का यूज़ बहुत सारे लोग करते हुए हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट्स, ओके, ट्रॉपिकाना जूस बनाते हुए नज़र आता है, एक्वाफिना आप पानी पीने हुए दिखाई देते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा इनका ग्लोबल फुटप्रिंट भी है, मतलब जिम्बाब्वे में भी, श्रीलंका में, नेपाल में, जाम्बिया और मोरक्को, यहाँ पर इन कंट्री में भी यहाँ पर यह पेप्सी बेचती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी की सारी इनकी वेबसाइट में। इसके अलावा कुछ और इसके फाइनेंशियल डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मिड कैप कंपनी नज़र आती है, 27,215 करोड़ रुपये का यहाँ पर मार्केट कैप है।
आरओसी की बात करें तो 7% का आरओसी है, डेट की बात करें तो लगभग 76% का यहाँ पर डेट भी नजर आता है। प्लेजिंग की बात करें कोई शेयर प्लेज नहीं है, ओके। तो यहाँ पर और भी चीज़ें दिखाई दे सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्म बेवरेज इज अ पार्ट ऑफ द आरजे ग्रुप विच इज लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी फॉर पिज्जा हट, ओके, केएफसी, क्रीम बेल एंड कोस्टा कॉफी। तो इनका यहाँ पर एक इज अ पार्ट, मतलब आरजे ग्रुप का यहाँ पर पार्ट है जो कि पिज्जा हट और केएफसी आपने देखे होंगे इंडिया में, तो उनका एक पार्ट है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर और भी कुछ बातों की रिजल्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्च 2018 में जो इनकी सेल्स थी 898, ओके, यहाँ पर घटते बढ़ते यहाँ पर नज़र आती है क्योंकि इनका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर कोक ऑलरेडी मार्केट में है जो कि अच्छा खासा है, और वॉरेन बफेट की वहाँ पर कह सकते हैं वॉरेन बफेट भी वहाँ पर होल्डिंग रखते हैं लगभग 10% की। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी खासी बढ़त थी, बट दिसंबर के क्वार्टर में 838 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर सेल्स होती हुई नज़र आई थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 34 करोड़ का प्रॉफिट। अभी कंपनी लगभग दिसंबर के क्वार्टर में माइनस में यहाँ पर इन्होंने शो किया है अपने रिजल्ट। इसके अलावा अगर हम ईयरली बेसिस पे बात करते हैं तो ईयरली बेसिस पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स देख लीजिए, ओके, यहाँ पर सेल्स देख लीजिए, यहाँ 748 करोड़ रुपीज़ की सेल्स बढ़ते बढ़ते लगभग 4876 करोड़ रुपीज़ की सेल्स में यहाँ पर तब्दील हो चुकी है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ओके। मतलब कंपनी कंसिस्टेंसी यहाँ पर दिखा रही है परफॉर्मेंस में। यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट है जस्ट बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर कोरोना का एक पीरियड था। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का 22 करोड़ का प्रॉफिट, ओके। अगर पिछले 12 महीने की बात करें तो लगभग 226 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में यहाँ पर तब्दील हो चुका है। इसके अलावा और भी कुछ बातें करते हैं तो रिजर्व्स यहाँ देख सकते हैं लगभग 3723 करोड़ रुपए के यहाँ पर रिजर्व्स है जो कि कंटिन्यूसली बढ़ते हुए हमें नज़र आए हैं। साथ साथ अगर बात करें बोरिंग, तो कंपनी के पास बोरिंग भी बढ़ती हुई नज़र आई है, बट अगर बात करते हैं एक साल के अंदर तो लगभग 200 करोड़ रुपए की बोरिंग, मतलब 150 करोड़ रुपए की यहाँ बोरिंग यहाँ पर घटती हुई नजर आई है, कंपनी ने डेढ़ बोरिंग यहाँ पर घटाई है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग 1352 करोड़ रुपए का कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी है, और अगर यहाँ पर और भी चीज़ों की बात कर लेते हैं, कैश की बात कर लेते हैं, तो लगभग 36 करोड़ रुपए का कैश भी यहाँ पर नज़र आता है। और भी अगर चीज़ें देखते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, FIIs देख लीजिए, FIIs अच्छी खासी है, लगभग 20% की यहाँ पर होल्डिंग FIIs की है। DIIs की बात करें, DIIs के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है 5.9% की, जो कि थोड़ी सी स्लाइटली बढ़ती हुई नज़र आई है। और पब्लिक की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक के पास यहाँ पर 7% की हिस्सेदारी है, और DIIs में हम अगर देखते हैं तो देखिए सुंदरम म्यूचुअल फंड्स के पास होल्डिंग है, निपॉन लाइफ देखिए जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी करके दिखाया है उसने, तो उसके पास भी होल्डिंग हमें नज़र आती है। तो ये पूरी कंपनी से रिलेटेड बातें थी। बाकी बोनस से रिलेटेड अगर देखें तो मंडे को जब यहाँ पर न्यूज़ आएगी, ओके, मंडे को जब यहाँ पर मार्केट मंडे को जब इसके रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे और मार्केट ओपन होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 3rd of May आई थिंक यहाँ पर देख सकते हैं मंडे ही है, ओके, तो 3rd of May को जब रिजल्ट आएगा और तो यहाँ पर बोनस के रिलेटेड यहाँ पर बातें भी होती हुई नज़र आएगी। और मोस्टली जब ऐसी कंपनी बड़ी कंपनी ऐसा कुछ कहती है कि बोनस से रिलेटेड कंसीडर कर रहे हैं तो वो बोनस इशू करते हुए नज़र आते हैं, तो इसी से रिलेटेड है। और आज के दिन तो देखिए मार्केट में गिरावट थी, तो ऑब्वियसली बात है ये शेयर गिरता हुआ नज़र आया, बट मंडे को जैसे कल ओपन मार्केट होगी तो शायद ये दोबारा भागता हुआ नज़र आएगा। तो आप कभी भी न्यूज़ से रिलेटेड कभी न्यूज़ आए तो इस तरीके से, वैसे तो शेयर ओपन खरीदते नहीं है, बट स्टिल आप यहाँ पर कुछ भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और किसी की भी आप हेल्प ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मंडे को इन्होंने अपने रिजल्ट के दौरान कह दिया कि हम आप बोनस शेयर इशू नहीं करेंगे तो ये शेयर और ज़्यादा गिरता हुआ हमें नज़र आ सकता है। तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार जो कि आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरे लोगों को कनेक्ट करें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।